श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस पंचम सुमान। शांत सनातन अप्रमेय, यानी प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपने निर्भरा यानी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। काटे पै कदरी परै कोटि जतन कोसी बिनय न मान खगेश सुन डाटे पै नवनी। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच बिने से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है अर्थात रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गए पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इनकै नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। सब प्रेरित माया उप जाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आयत जई कह जस आई सोते ही भांति रहे सुख लाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों में यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वो उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल की मोहि सिख दी मर जादा पुण्य तुम्हारी भोल कमार शुद्ध पशु नारी सकल ताना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई उतरी कटक न मोरी बड़ाई प्रभु अज्ञा अपेल कृति गाई प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तदापि प्रभु की आज्ञा अपेल है अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत बिनीत भजन अति कृपाल मुनि।
समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वो उपाय बताओ। बोलिए क्या कति रामचंद्र की, हनुमान की।